by the movie Kashmir Files that felt to us like a propaganda vulgar movie inappropriate for an artistic competitive. Kashmir Files par diye apne bayan par abhi bhi aadik hai Israeli filmmaker Nadav Lepid. कहा बोलना जरूरी था इसलिए मैंने बयान दिया. नदाब लैपिड ने IFFI 2022 के क्लोजिंग सेरेमनी में द कश्मीर फाइल्स की आलोचना करके हड़कंप मचा दिया. उन्होंने कह दिया था कि द कश्मीर फाइल्स एक वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म है. उसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जैसे इवेंट में होना जायज नहीं है. उनके इस बयान पर खूब हल्ला कटा. अब नदाब लैपिड ने अपने इस बयान के बारे में बात करते हुए कहा कि वो उस फिल्म के बारे में बोलने से पहले असहज और सकुचाए हुए थे. नदाब लैपिड ने कहा कि उन्हें पता था कि फिल्म फेस्टिवल इंडिया से जुड़ा हुआ था. यहाँ के लोग सरकार की तारीफ करते नहीं थकते हैं, इसलिए यहाँ आकर इस तरह का बयान देना उनके लिए आसान नहीं था. इस बारे में वाई नेट से बात करते हुए नदाब ने कहा कि मेरे लिए कोई आसान स्थिति नहीं थी क्योंकि आप गेस्ट हैं, मैं ज्यूरी का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया गया और फिर आप आते हैं और फेस्टिवल पर अटैक कर देते हैं. मैं आशंकित था, एक किस्म की असहजता भी थी. मुझे नहीं पता था कि ये मामला कितना बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो सकुचाहट के साथ किया. मैं उस पूरे दिन डर में रहा. इसे ऐसे समझिए कि मैं एयरपोर्ट जाते हुए बहुत खुश हूँ. भले लैपिड ने जो कहा वो लोगों के गले नहीं उतरा, मगर उनका मानना है कि किसी को तो बोलना ही पड़ेगा. नदाब लैपिड अपनी बातचीत में आगे जोड़ते हैं, वो देश जहां लोग अपने मन की बात या सच कहने की क्षमता खोने लगे हैं, वहां किसी को तो बोलना पड़ेगा. जब मैंने ये फिल्म देखी तब मैं इसकी इजरायली समक्षता की कल्पना किए बगैर नहीं रह पाया, जो अब तक तो नहीं है मगर हो जरूर सकती है. इसलिए मुझे लगा कि करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ खुद बहुत सुधार की जरूरत है. इजरायली फिल्म मेकर नदाब लैपिड के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कमेंट किए हैं. रमेश कुमार नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, बीजेपी का थोड़ी है जो झूठी तारीफ करेगा. 1990 में बीजेपी समर्थक विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तो बीजेपी ने कश्मीर के पंडितों का साथ क्यों नहीं दिया. ललित शर्मा नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, बहुत शर्मनाक बयान, सच जाने बिना बोलना अच्छा नहीं है, कश्मीर का सच दबाने की कोशिश. एक ट्विटर यूजर ने कहा, हर कोई सावरकर नहीं होता है जिसने पेंशन के लिए माफी मांग ली थी और पता नहीं क्या क्या किया था. प्रेमनाथ कुमार नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, एक विशेषज्ञ ने अपना निष्पक्ष निर्णय दिया है, उसे किसी के राजनीतिक नफे नुकसान की क्या चिंता. इजरायली फिल्म मेकर नदाब लैपिड के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें.